राइटिंग की अहमियत हम आपको बता नहीं सकते, राइटिंग की अहमियत हम आपको बता नहीं सकते। अगर राइटिंग अच्छी ना हो तो हम अपनी कॉपी आपको दिखा नहीं सकते। राइटिंग की अहमियत हम आपको बता नहीं सकते, राइटिंग अच्छी ना हो तो हम अपनी कॉपी आपको दिखा नहीं सकते। राइटिंग हमारे और हमारे एग्जाम के लिए इतनी खास है, अगर राइटिंग अच्छी ना हो तो हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा नहीं सकते। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में राइटिंग के ही बारे में बात करने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखें। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम की साथ में अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। और किस तरीके से आपको आंसर देना है बोर्ड कॉपी पर, मैं आपको बताता हूं। अगर उस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आंसर दोगे, जो मैं बता रहा हूं उस रूल को फॉलो करोगे, तो कंफर्म है आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। भले आप कम पढ़े रहोगे लेकिन अच्छा नंबर मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। जैसा कि आपको यह भी मालूम है कि जब भी आप मार्केट जाते हो, जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा खरीदना है, सपोज दैट आपको कपड़ा खरीदना है, तो मार्केट में जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो ऐसे किसी दुकान को चॉइस करते हो, पसंद करते हो जिसमें क्या बहुत सारे कांच लगे हो, बहुत बड़ी दुकान हो, देखने में अच्छा लगता हो, उसमें लाइटिंग टेंटिंग मेंटिंग सबसे अच्छी हुई रहती है। तो सबसे पहले क्या करते हो, आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हो। वैसे दुकान पे आप नहीं जाते हो जो छोटा मोटा दुकान हो, गोमती की तरह हो, या खर मतलब कह लीजिए छोटे मकानों में कपड़ा की दुकान है, तो आप छोटे दुकानों में न जाकर बड़े दुकानों में जाते हो जिसमें अच्छी लाइटिंग हुई रहती है, पेंटिंग हुई रहती है, अच्छे अच्छे डमी खड़े रहते हैं, तो आप वहां पे कपड़े खरीदने जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि वो जो दिखता है वही बिकता है। तो वह सुंदर दिख रहा है, आप इसलिए उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो। इसी तरीके से जैसे आप सुंदर लिखोगे बोर्ड कॉपी पे, जितना ही सुंदर लिखोगे उतना ही एग्जामिनर आकर्षित होगा और उतना ही अच्छे से नंबर आपको देगा। तो चलिए मैं आपको यही बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखनी है और किस तरीके से आंसर को देना है। ठीक है, तो आज का मेरा स्केच होगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, आपका भी हक बनता है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए आपका प्रश्न आता है, मैं हिंदी का क्वेश्चन लेके चलता हूं। अभी मैं सभी विषयों को समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिये सबसे पहले मैं हिंदी को लेकर चलता हूं। मान लीजिए पहला प्रश्न आपका यही आएगा, ऐसा ही प्रश्न आएगा जैसा पहला मैं बता रहा हूं। हिंदी में आपका पहला प्रश्न तो यही होगा, बोला रहेगा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न रहेगा, प्रश्न के चार ऑप्शन रहेंगे, पहला का क प्रश्न होगा। मान लीजिए पहले के क प्रश्न में आपसे बोल दे रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो चार ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कोई एक कथन सत्य है, तो पहले आप चारों कथनों को पढ़ोगे। पढ़ लेते हैं हम भी, इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, जी नहीं। जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी नहीं। महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है, जी नहीं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, जी हाँ। तो आपसे बोला कौन सा सत्य है, यहाँ पे चौथा नंबर सत्य है। ठीक है, तो चौथा नंबर सत्य है। जब आप एग्जाम में आंसर दोगे तो कैसे दोगे ये ध्यान दो। देखिए ये पहले का क नंबर प्रश्न है, तो एग्जाम में सीधा आपको कुछ नहीं, प्रश्न तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है, सीधा उत्तर उत्तर लिखना है। तो कैसे लिखना है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लिखना, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे आप, प्रश्नोत्तर संख्या, कौन सा है, एक का क, तो आप लिख दीजिएगा एक का क। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर का मतलब प्रश्न का उत्तर, आप डायरेक्ट लिख रहे हो प्रश्न का उत्तर और यहां पर लिख दीजिएगा संख्या, तो प्रश्नोत्तर संख्या एक का
का इस तरीके से लिखकर और नीचे आप स्केल लेके जाइएगा और अंडरलाइन कर दीजिएगा। स्केल लेकर क्या करेंगे आप, अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए बोर्ड है, बोर्ड पर मैं समझा सकता हूं, पूरा यहां पर प्रारूप नहीं बता सकता, ठीक है, बस आपको समझा रहा हूं और आप इतने खुद समझदार है कि आप समझ जाएंगे थोड़ा सा मेरे समझाने पर। तो आप ऐसे नीचे जब प्रश्नोत्तर लिखिएगा तो ऐसे लाइन रहेगा, बोर्ड कॉपी में लाइन रहेगा, तो उसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या एक का कब, फिर नीचे आप स्केल लेके जाइएगा और वहां पे क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखना है, आप क्या करिए, एक स्केच लेके जाइएगा, स्केच से डालेंगे तो पहले ही चमकता धमकता दिखेगा, ठीक है, सुंदर दिखेगा। स्केच ले लेंगे तो स्केच से जब आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या एक का क, तो मोटा दिखेगा और सुंदर भी दिखेगा। ब्लैक स्केच लेके जाइएगा, ब्लैक स्केच से आप लिखेगा प्रश्नोत्तर संख्या एक का क, जो भी प्रश्नोत्तर डालिएगा वो ब्लैक स्केच से डालिएगा, काफी अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, और उससे राइटिंग भी अच्छी लगती है। तो आप लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या एक का क, अब जो सही है उसको, जैसे यहां पर चौथा सही है तो सीधा चौथा लिखकर अब इतना पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, सीधा लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या एक का क चौथा सत्य है, तो चौथा सत्य है, तो आप यहां पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या एक के क के नीचे जो नीचे की लाइन होगी वो एक लाइन छोड़कर, एक लाइन हमेशा छोड़कर, जैसे जहां पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या एक का क उसका एक लाइन छोड़कर आपको लिखना होगा उत्तर, उत्तर। अब यहां पर उत्तर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी में हो गया प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो अब चौथा सही है, तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, तो चौथे में यही लिख दीजिएगा, बस उसके बाद छोड़ देना है। अब आपको एक दो लाइन फिर छोड़ के आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, यहां पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, अब एक का ख होगा, कम से कम क ख ग घ अंग, ऐसे प्रश्न दिया रहेगा तो आप ऐसे लिखिएगा, नहीं सिर्फ ऐसे दिया रहेगा प्रश्नोत्तर ए प्रश्न एक, तो सिर्फ आप लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या एक, और नीचे आप अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, स्केल आप लेके जाइएगा। देखिए स्केल आप लेके जाए, सबसे पहले प्रश्नोत्तर को क्या करना है, आपको स्केच से लिखना है, स्केच से लिखने के बाद आपको नीचे स्केल रखकर अंडरलाइन करना है, ठीक है, एक सुंदर सा लाइन खींचना है, उसके बाद ये खुद सुंदर दिखने लगेगा। पेन से मत लिखेगा, इसके लिए आप ब्लैक स्केच लेके जाइएगा, क्योंकि थोड़ा मोटा दिखेगा तो पहले ही नजर एग्जामिनर की वहां पे पड़ जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पे, ठीक है, कॉपी आपका अच्छे से चेक हो जाएगा। और इस तरीके से आप लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या एक का ख एक का ग एक का, इस तरीके से लिखिएगा, और जब यहां से उत्तर देने लगेगा तो इस लाइन को छोड़कर नीचे वाले लाइन से, एक लाइन छोड़कर नीचे वाले लाइन में उत्तर दीजिएगा, ठीक है, सुंदर लगेगा। जब सुंदर लगेगा तो आपको अच्छा नंबर एग्जामिनर देगा, वो आपके तरीका को देखेगा उत्तर किस तरीके से देना है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो किस तरीके से राइटिंग आप अपनी अच्छी कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास 2 महीने का समय है, आपके पास अभी 2 महीने का समय है, 2 महीने में आपकी राइटिंग जो होगी काफी सुधार आ जाएगी आपकी राइटिंग में, ठीक है। तो कैसे आएगा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अब हमें उत्तर देना है प्रश्न नंबर 2 का क है, ठीक, आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न नंबर 2 का क आ गया, अब उसमें बोल देगा धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए, तो आप सिर्फ लिखेंगे क्या, ऐसे आप उत्तर लिखेगा, इस तरीके से लिखेगा प्रश्नोत्तर, ठीक है, इस तरीके से लिखेगा प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, ये 2 है, तो आप लिखिए 2 का क, हम किसका उत्तर दे रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 2 के क का उत्तर दे रहे हैं। इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहां पे हम दोस्तों नीचे लाइन खींचेंगे, जब भी प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे जॉन सा जो कोई भी नंबर हो आप यहां पे हो तो प्रश्न में दिया आपके पेपर में दिया रहेगा वो नंबर आप वहां पे देख लीजिएगा, सीधा आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क। अब 2 का क अब इस प्रश्न को नहीं लिखना है, प्रश्न को नहीं लिखना है, इसी का मतलब हो जाए प्रश्न उत्तर यानी प्रश्न का उत्तर, डायरेक्ट आप लिख रहे हो प्रश्न का उत्तर। तो सीधा धर्मयुग के संपादक का नाम क्या है, डॉक्टर धर्मवीर भारती, तो आप लिख दीजिएगा डॉक्टर धर्मवीर भारती, आप सीधा आंसर लिख दीजिएगा नीचे की लाइन में, ठीक है। यहां पर आपको आंसर आंसर उत्तर उत्तर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना लिखिएगा उसके बाद ब्लू पेन से डॉक्टर धर्मवीर भारती लिख दीजिएगा, लेकिन इतना याद रहेगा आपको ये स्केच से लिखना है, ब्लैक स्केच लेके जाइएगा एग्जाम में, लिखकर सुंदर से लिखना का, यहां पे जब सुंदर राइटिंग दिखेगी स्केच से क्या होता है सुंदर राइटिंग बैठती है, तो यहां पे सुंदर खुद दिखेगा। और दूसरी बात पेन कौन से कौन पे लेके जाना है आपके एग्जाम में, देखिए आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो जेल पेन मत लेके जाइएगा, जेल पेन से नंबर कटता है, और दूसरी बात उसका साइड इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट उसका क्या है, जैसे आप
लिखोगे जेल पेन से तो पीछे वाले पेज में वो सिमट जाता है, तो आपको जेल पेन से नहीं लिखना है। नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ लिखना है बाल पेन से, ठीक है। किस पेन से लिखना है? बाल पेन आपको लेके जाना है, बाल पॉइंट पेन, उससे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। जेल पेन आपको बिल्कुल नहीं यूज करना है, इतना याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो आप इस तरीके से आंसर दे लोगे। जैसे मान लीजिए बड़ा कोई प्रश्न आता है, अब उसका आंसर आप कैसे देंगे? कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए बोल देगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अगर निबंध आ जाता है तो मान लीजिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपका दिया रहेगा, चार से पांच। अब चार पांच में से आपको किसी एक निबंध पर लिखना होगा, कोई एक निबंध लिखना होगा। तो मान लीजिए मुझे स्वदेश प्रेम का निबंध याद है, ये आपको पता है, तो इसका आंसर कैसे देंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से आप इसके डालेंगे, जिस प्रश्न का उत्तर देंगे उसको लिखेंगे। प्रश्नोत्तर क्या संख्या कौन सा है? प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा दोस्तों? 11 है। अब 11 तो हो गया, लेकिन हम किसका आंसर दे रहे हैं? पहले का, तो आप 11 का फर्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 11 का दूसरा दीजिएगा तो 11 का दूसरा लिख दीजिएगा। जब भी निबंध लिखने के लिए बात आएगा, चार से पांच निबंध दिया रहेगा, उसमें से किसी एक का आंसर देना होगा। तो नीचे अब हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद अब निबंध में कम से कम आपको पांच स्केच लिखना होता है, जैसे प्रस्तावना हो गया पहला और लास्ट हो गया उपसंहार। अब बीच में कौन सा स्केच डाल रहे हो? जैसे मान लीजिए स्वदेश प्रेम है, तो स्वदेश प्रेम के अंतर्गत हम कौन सा स्केच डाल सकते हैं? जैसे देश के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा क्षेत्र क्या है, तो ये सब चीजें हम वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। विचार क्या होना चाहिए देश के प्रति, ये सब स्केच आप सबसे पहले इसे लिखेंगे। प्रस्तावना, मान लीजिए पहला स्केच आपका होगा प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना इस तरीके से लिखिएगा आप, यहां पर नीचे फिर अंडरलाइन करिएगा। अंडरलाइन करेंगे तो काफी सुंदर दिखने लगेगा। और प्रस्तावना के पहले आप कोई भी डिजाइन देना चाहे तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, या आप इस तरीके से डिजाइन देना चाहे तो आप डिजाइन दे देंगे तो काफी सुंदर दिखेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर डिजाइन देना चाहे दीजिए, नहीं तो सिर्फ आप लिखिए प्रस्तावना ऐसे यहां पर अंडर। अब जब प्रस्तावना लिखेंगे तो नीचे के लाइन से यहां से लिखना शुरू करिएगा, ये नहीं जहां से प्रस्तावना लिखे उसी के सीधे वाले लाइन में आप आंसर देना स्टार्ट कर दो, जी नहीं, आपको नीचे की लाइन से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, समझ में आ गया। और पांचवा इसके आपको इसे लिखना है उपसंहार। क्या लिखना है? उपसंहार। तो उपसंहार लिखने के बाद यहां पे आप तीर लगाइएगा, नीचे अंडरलाइन करिएगा, अब नीचे की लाइन से आप लिखना शुरू करिएगा आंसर को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसरों को देना है। अब एक बात और बच रहा है, आप कॉपी में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, स्केल लेके जाते हैं और ऐसे लाइन खींच देते हैं। जैसे मान लीजिए इतना चौड़ा कॉपी आपका है ही, अब इतना तो लाइन खींच देते हैं, बचता है सिर्फ इतना, बहुत सारे बच्चे दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको कॉपी में लाइन नहीं खींचना है, अपने से एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करना है, सिर्फ आपको आंसर देना है और आप फटाफट दे दीजिएगा, ठीक है। ये लाइन मत खींचेगा, इसके बहुत सारे बच्चे स्केल लेके जाते हैं, लाइन खींचकर तब आंसर देते हैं, तो लाइन आपको नहीं खींचना है। जैसा कॉपी है सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, बाएं साइड में दो अंगुल छोड़कर लिखना स्टार्ट करना है और इसी तरीके से आपको पूरा प्रश्न लिखना है। और जो प्रश्नोत्तर आप लिखिएगा कॉपी के बीच में लिखिएगा, जैसे इतना देखिए ये कॉपी है, सपोज दैट मान लीजिए क्या है आपका कॉपी है, तो यहां पर आप लिखिएगा प्रश्न उत्तर, ठीक है। अब जो भी संख्या रहेगा आगे लिखिएगा, तो अब यहां ये बीच में लिखिए, कॉपी के हमेशा बीच में प्रश्नोत्तर लिखिएगा, ये नहीं किनारे लिखिएगा, ठीक है, सुंदर लगे। हमेशा आपको प्रश्नोत्तर बीच में लिखना है, क्लियर हो गया। और दूसरी बात, जैसे आपका ये तो हो गया हिंदी का, इसी तरीके से आपको मैथ का भी लिखना है, साइंस का भी लिखना है, सोशल साइंस का भी लिखना है, संस्कृत का भी लिखना है, लेकिन अगर मुझे इंग्लिश का देना होगा तो पेपर, तो इंग्लिश में आप सिर्फ लिखिएगा आंसर नंबर, ठीक है। क्या लिखिएगा? आंसर नंबर। आंसर नंबर कौन से? जैसे मान लीजिए फर्स्ट का ए है, तो फर्स्ट का ए इस तरीके से लिख दीजिएगा, अब नीचे आप आंसर दीजिएगा, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से कॉपी लिखने का तरीका पता हो गया। अब बात आती है कि हमारी राइटिंग नहीं बैठ रही, कैसे बैठाएं? अब हम एग्जाम की तैयारी करें या राइटिंग की तैयारी करें? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 2 महीने में तैयार हो जाएगा। क्या करना है आपको? जितना तैयारी आप कर रहे हो, जितनी पढ़ाई आप पढ़ रहे हो,
उसको पढ़ने के बाद आप क्या करो, कॉपी में लिखो, तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो पढ़े रहोगे वो तैयार भी हो जाएगा, आप भूलोगे भी नहीं, और दूसरी क्या बात होगी, आपको फायदा होगा कि आप लिख भी ले रहे हो साथ में, तो राइटिंग भी इधर सुधर रही है और इधर आपकी तैयारी भी हो जा रही है। तो इस रूल को आप फॉलो करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, पढ़ते रहिए, और जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको आप लिखने का प्रयास करिए। इससे क्या होता है, जो याद करे रहोगे वो आप भूलोगे भी नहीं, और जो लिखोगे उसमें कुछ सुधार आएगी राइटिंग में, ठीक है। तो इस रूल को फॉलो करिएगा, कम से कम आप 2 महीने, आपके पास समय है तो 2 महीने तो सुधार हो ही जाएगी, अगर जो दिखेगा वही बिकेगा। मैं इस बात को समझ जाओगे तो कन्फर्म आपका अच्छा रिजल्ट बन जाएगा। तो आपको सुंदर राइटिंग, आपको कॉपी में जब भी लिखना है सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बस यही बताना चाहता था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और अपने रूल को फॉलो करने लगे, अच्छा नंबर उनका भी बन जाए, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।